हंस लिए भाई। हाँ ठीक है यार, मुझे नॉर्मली हंसने का मौका मिलता नहीं है, तो मैंने कहा पहले ही हंस लो भाई, क्योंकि इसके बाद तो आपको हंसना है, है? क्योंकि आप आने वाले हम हनीकॉम में, जहाँ लोग अड़बड़ेंगे कूदेंगे, उसके बाद आएगा स्किपिंग स्टोन्स, जहाँ अपनी टांग तोड़ेंगे, फिर आएगा डोमिनोज, जिसने अपनी कमर तोड़वाएंगे, और फिर आएगा ब्रिज बॉल, जहाँ खूब फटके खाएंगे, डामचे डयूसो का अखाड़ा, तकेशी स्काफल। जेंडू को कहते गंबत्तू से, आप तो जानते होंगे जनरल कि ये फजूल की आदत, फिलहाल वो अपने पट्टों से ये सौगंध ले रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में पड़े हजारों खिलाड़ियों के अरमान को पूरा करना है, और काउंट तकेशी का कि ये कि हर इम्तिहान से गुजरकर फाइनल शोडाउन तक पहुंचना है, कपड़ों के साथ या कपड़ों बिना, खड्डे से निकलकर फाइनल अड्डे तक पहुंचना है। तोड़ दो अपने सारे रिश्ते नाते और चूर पड़े, तो साढ़े साथी के सताए ये सौ सपट्टू चल पड़े हैं द ग्रेट वॉल की तरफ। इनको आना है भाई साहब, आपको लुढ़कने के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ना ही सलमान खान को कॉपी करने वालों को, चड्डी पहन के आ गया। इन सब लोगों को खुली छूट है कि ये जिस तरह चाहे दीवार पर चढ़े और दूसरी तरफ उतर जाए, रोल होकर भी आ सकते हैं। फालतू की मेहनत, जब नीचे ही आना है तो ऊपर क्यों चढ़े हो भाई, और ऊपर से ही शमशानिया ये म्यूजिक के, सावधान रहो किसी भी वक्त तुम्हारा टिकट कट सकता है। पर ये कमबख्त कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं, कूद कूद कर गधों पर चढ़कर दीवार पर जा रहे हैं, और लुढ़कते फुदकते नीचे आ रहे हैं। ये देखिए क्लोजअप। खेल की भावना को देखिए, एक लड़की की मदद करने के लिए छह छह लड़के पिल पड़े, लड़कों का क्या है, चढ़ जाएंगे खुद ही। ओहो नीलो आंटी, ओहो पीछे कौन है, नंगू पुंगू। ओ नीलो आंटी पार, क्या बात, ये तो भाई फुर्सत में आए। और ये देखिए तीन तिगड़ी काम बिगड़ी नहीं, और ये तीन तिगाड़े भी पार, हाँ खूब खूब चड्डी पहन के फूल खिल रहे हैं। ओहो मोटू रह गया, पर छोटू को पहुंचा दिया। और जे जे के रांची क्रिपले में देखिए मैडम, जो ऊपर तो पहुंच गई लेकिन नीचे वाला बेहोश हो गया, और अब स्लिप टेस्ट। एक दो ईगे, बम फटे और खिलाड़ी दौड़ पड़े, इनको अपने हेलमेट पर लगी रिंग को बचाते हुए दीवार पर चढ़ना है, चढ़ गए तो अगले राउंड में, पर ऊपर पहुंचना हलवा नहीं है भैया। सर उठा के पड़ती है पानी की धार, और रिंग फटा। ये देखिए मैदान पार करो, फिर ऊपर चढ़ो और रिंग भी बचाओ, तबीयत हरी हो जाती भैया इन सबकी। गार्ड्स ताक ताक के निशाने लगाते हैं, पीछे से काम आ रहा है भाई, सामने गार्ड ऊपर गार्ड नीचे गार्ड, पर मेरी जबान बहती हवा, और इन मकोड़ों को कौन रोक सकता है। भाई आओ बहन आओ, जे जे का राज्य रिप्ले देखते जाओ। इसमें कुछ देखने लायक है क्या, कुछ देख रहे हैं, देखने लायक तो है ब्लू बेरी हिल, जहाँ 70 सर फिरे आगे पहुँचे हैं। सेमुर सिंह देते हैं कॉल, बेर फुदकते हुए आते हैं ऊपर, गर्दन घूमी तो फ्रीज, नंबर दो और चार लुड़के और एक ने मारी गुलाट, खड़ी हो गई इनकी खाट, ठीक तो है ना। सेमुर सिंह फिर से पुकारा, दारूमा तुड़। हाय हाय, सब कैसे शरीफ बच्चों की तरह खड़े हैं, इस कॉस्ट्यूम को पहनकर चल नहीं सकते, सिर्फ फुदक सकते हैं। और लो भैया एक और शहीद, इस वक्त नंबर 6 सबसे आगे चल रहे हैं।
कुल पांच खिलाड़ी बचे हैं, सेमुर घुमा और नंबर नौ लड़का, साथ ही दस और पांच को भी ले मारा। गाड़ी चली और रास्ते का कचरा भी ले ली गई। भाई अब सिर्फ दो बेर बचे हैं। कुरुंदा कुरुंदा और सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ले भैया छक्का भी लेट गया और फुदकते हुए सत्तू महाराज जीत गए। अब कौन बाकी बचा है? ओहो टिग्गी गुड़िया भी जीवित है। पर रहेंगे नहीं वहाँ गुरुंदा और उनका भी सुपड़ा साफ। अगली टीम लुढ़कने आई मीन ऊपर जाने के लिए तैयार। सेमुर की कॉल, बेरों का फुदकना शुरू। सेमुर का पहला बार बेकार। अरे अगला झटका दिया और नंबर दो सर के बल खड़ा हो गया है। बेर का अंडा, ओए और ये चार तो योगी जी शीर्षासन कर रहे हैं। बच गए भैया। नंबर आठ लीड कर रहे हैं और नंबर नौ पीछे से फीड कर रहे हैं। कॉल करने वाला अचानक घूमकर बेरों को गफलत में पकड़ता है। इस बार शिकार हुए नंबर ओहो नंबर एक और इनकी जापानी पगड़ी भी उछल गई। अगला कॉल चीटर कॉक। ये आइटम कौन से कसम से आगरा के पागलखाने से आए। और एक के बाद एक लुड़किंग एंड सुड़किंग। और ये नंबर आठ तो पार, नंबर छह भी पार, बाकी सत्ता लुड़का दस को भी लुसला दिया है। विजेताओं की घोषणा इस बार भी टिक्की मैडम पीछे है। और ये बढ़ेगा नहीं जीतोगी सेमुड़ का चैलेंज। टिक्की मैडम ने बढ़ना शुरू किया। अरे तो अभी पार क्या, इनका तो बेड़ा पार। और जी जगह आप चिकरी पे देखिए, आधा पादा कौन पादा मामा जी के घोड़ा पादा आई ठाई टूस सारे गए बुजुर्ग। और अब शुरू होगी चेज इन हनी को मेज। करना पड़ता रहने के लिए सीटी यैप और जवान दौड़ पड़ा। ओहो जोश के मारे उबल रहे हैं। अंदर घुसे गंजे शामू की धाड़ सुनी और सारा जोश ठंडा पड़ गया। निकल भैया निकल ले निकल ले। ओहो दुबई का चश्मा वाले आश्रम भाई। ओहो ये कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे लंबी मत छोड़ मुन्ना, जा नहाने जा। मुन्ना लाल अंदर आए आते ही थम्बू शामू भी लपक कर चला आया। हो गया मुंह काला और अब घर को जाएगा लाला। अबे चश्मे के ऊपर मतलब चश्मा नहीं उतरा, ये देखो। ओहो डॉक्टर साहब देखते हैं ये रामू शामू का ऑपरेशन करते हैं कि वो इनका रंगीला रामू और शामू सस्पेंस में खड़े हुए। क्या रंगीला लपका और डॉक्टर साहब त्री भिन्नाट, पहले पकड़ा कोड़ा और फिर गंदा नाला। हो गई तबियत सही तो निकल लो भैया। हाँ दिमाग का डॉक्टर, अपना दिमाग का इलाज करा। आओ चाम चिड़ी, अबे चट्टान हो रहा पहलवान, छिक्का फेंक के मारू तो टंग से आवाज आएगी। चाम चिड़ी अंदर घुसा, सस्पेंस। शामू का टकलचू देखा और मारी पलट की धड़क की, रंगीला पीछे पीछे मारा धक्का और चाम चिड़ी चित। देखिए ऐसा लग रहा है चाइनीज नूडल को सूप में डाल दिया। अरे बाप रे आई ये दीवार पे कैसे चढ़ी हुई आंटी और खाते पीते घर की आंटी और आंटी की बज गई घंटी। अगर अंदर रहती तो ये दोनों की बज जाती घंटी, घंटा बज जाता। पानी कम हो गया। ओह उनका जोड़ीदार आ गया। अरे कौन से खेत में होगा था ये फल, तोलने बैठो तो तराजू टूट जाए। किधर को जाएगा पहलवान, फैसला करके दौड़ भारी। शिकारी भी लपक पड़े, एक ने तो पकड़ा भी, पर गेंदा कोई हाथ में आवे अबे निकल गया रामू सामू को पटक के बाहर। अबे लगता है एक ही झेली के छट्टे बट्टे आ गए यहाँ गेम खेलने आज। अबे रामू की शक्ल देखी और बाहर। अरे अरे आंटी तुम्हारे एक हाथ का है वो तो है? देखो देखो मुझे डरा रहा है। कहाँ चला गया? डरती हुई आंटी अंदर आई, गीला ताक में है।
दरवाजे के पीछे आया। आंटी ने कदम बढ़ाया, रंगीला दाड़ा, आंटी दहशत से चिल्लाई और पांडे जी की शरण में आई। जे जे के रापची रिप्ले में है एक सवाल। दोबारा यहाँ आओगी? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, जंगली भाई कभी नहीं आऊंगी। मगर हम तो आगे जाएंगे स्कीपिंग स्टोन्स में। महफिल सजी, उजला उजला सूट, पैरों में लंबे बूट और अब तंगड़ी गई टूट। लुंगी लपेट लेना, हाँ पैरों के साथ पतलून भी चिर गई है। ओहो आइए सूखे हुए झींगे, दो कदम चले। ओहो वो मार रहे थे डींगे, अब क्या हुआ भाई? आप तो जानते हैं कि स्किपिंग स्टोन्स को पार करना कितना आसान है, पर किसी को नहाना हो तो अलग बात है। पैर से थाप मार कर अंदर घुस रहे हैं। अबे चर्बी नहीं है तो और क्या है? नहीं नहीं बात है। अरे तमे आईया केम आवी गई बेन, बा को पूछा था, जाओ घरी जावी ने फसली चेंज कराओ। आइए भाई साहब, आपको इन पत्थरों पर से पार जाना है। ओ चपंडू ये पार है, है? ओ तमे तो इंदा हो तमे ये भी समझ रहे तो जवा ओहो ठंडी हवाओं के कांधों पर सवार। अरे इस खंबे को कौन उखाड़ कर लिया यार? ले भैया गड़ गया खंबा, हो गया लंबा। दिल्ली की ब्लू लाइन और टोक्यो की इस रेड लाइन का कोई भरोसा नहीं, किधर भी घुस जाते। देखा घुस गए ना? अरे भैया वो गई तो ये आ गई, कब तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, कहीं तक नहीं जाएंगी। अरे घुटना बोला, अरे हो गई हसरत पूरी, हसरत जयपुरी। ओहो ये है छोटी चड्डी, चड्डी छोटी है पर कदम बड़े बड़े हैं और वो भी अटल। अरे पार लग गया, क्या बात है जीवन। जे जे के रापची रिप्ले में है ये एक चेतावनी। जापानियों का गुस्सा बहुत खराब होता है, ये देखिए कैसे अपने आप को मारते हैं। और आगे क्या क्या मारेंगे हम आपको दिखाएंगे डोमिनोज में गिरते दीवाने और ब्रिज बॉल से टपकते परवाने। पर उससे पहले हम जा रहे हैं पैखाने। बम 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 और यमदूतों को ले आए हम, मुहूर्त करते हैं क्वेक से। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये क्वेक वाले विग क्यों पहनते हैं? भगवान बोले यही जानने के लिए तो मैं धरती पर आया हूँ। तो सारे कद्दू दाने अपनी अपनी जगह पर, चट्टानी फुसकी का इंतजार, ये और थकड़ मकड़ शुरू। वाह लगता है गोंद लगा कर आए हैं। चलो एक 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 और दो और तीन और चार और पांच पांच और सुपड़ा साफ। अब ये क्या भैया जुए काट रही है? मुझे यमा एक्सप्रेस जाने के लिए तैयार। सीटी बजी और छुक छुक शुरू। एक डब्बा पटरी से उतरा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और बच गया। अरे जुओं ने पकड़ के रखा था क्या? नहीं जुए रेगिस्तान में नहीं जाती। क्विक की तीसरी टीम अपनी सीट्स पर विराजमान, सिग्नल मिला और ट्रेन स्टार्ट। अरे कम ऑन यार देर मत करो भैया। अरे गया दूसरा और तीसरा और चौथा और आंटी विराजमान। देखिए जीत गए रोस्टम गेल सब। छप्पों की एक और मंडली तैयार, सब सीट्स पर डट गए। ठंड लग रही क्या? फुसकी और शवर शुरू हो गए। शुरू होते ही तीन लड़के, चौथा भी गया। ठंड लग रही थी इसको बैठा हुआ, लेकिन बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने का पहलवान, मैं निकल लिया। और रापची रिप्ले में दोस्ती की मिसाल। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ तो ठुसकी यहाँ पर रही भैया। और अब धूमधाम डोमिनोज। ओ बहुत ही मशहूर शख्सियत है ये, लोग कहते हैं
चूसी साहब इनको इनाम प्रदान करेंगे। हाँ भैया, कोने में ले जाकर दे और एक खबर अब। कोनी, ओहो, और अब कौन है होनी? और ये है मिस्टर धोनी। अरे तेरी तो, क्या हुआ भाई? अरे साहब, अरे ठीक है, खैरियत से। ओह, डिस्को डांसर। यश, आई एम अ डिस्को। क्या रे? यश, हाथ नहीं लगाने का, मैं फिर से आऊंगा, समझे ना? आज लाल बिल्ले, कौन सा अस्पताल पसंद है पैर? हाँ, ये तो खड़ा कर चला जा रही है, खंडे और निकल लिया। मैं दीवार को कहा है आलिंगन करिया है, जवानी फूट रही है। वो दम मची मार, अरे दम तो बहुत है, कहाँ पर मची मारी गई है। और अब ज्यादा मत इतना ना चूस ले, खा वरना ये की रेमटे में चौकड़ा बिगाड़ देगा, समझे ना? पीछे रेडियो लेके घूम रहा है पीएल वहां भोपाल स्टेशन। ओहो, मिस्टर शांता प्रसाद शांति के साथ चले जा रहे हैं। शांति छुट्टी पीछे और ये आ गई नीचे। ये क्या कर रहा है यार? बांग दे रहा है कुड़ुकू। अरे मुर्गी नहीं, मुर्गा है भाई। ये क्या हुआ? मिनिस्टर का साला है। ओए, हेलमेट पे तुर्रा लगा के आई है सोनियो। ओ कैंडी पाओ पाओ पाओ, ओ एक ही पाओ में बदबू फैला देती सारी। ओए हो, चूस ली थी, नाक सड़ गई, इसकी भी सड़ गई। ओहो चुन्नी लाल, चुन चुन के कदम रख रहे हैं, साफ सुथरी जगह की तलाश है और वो जगह मिल गई। पंडित जी का कुश्ता खाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खूब जमेगी जब मिन बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और पंडित जी का कुश्ता। अरे वाह, अब तो सिर्फ कदम गिनने, एक दो तड़ा। टूटने की आवाज आई, आए मेरी कमर आए। और ये है मेरा फेवरेट ड्रॉप चिक रिप्ले। मैडम, डोमिनोज की दूरी कदमों से नाप रही थी। अरे चीरी फाड़ी फुर। अब देखिए बिना साबुन की धुलाई ब्रिज बॉल में। जनरल रेडी, दो हो ये रंगीले दामों को दो नंबर करने जाना है और इसको एक नंबर। सीटी बजी, याइप कहा और खुजली का इलाज शुरू। ये खेल है संतुलन का, आपको अपना संतुलन नहीं खोना है और खो दिया तो घर जाके रोना है। ऐसे भाई नीचे आग जल रही है कि नंगू पहलवान, अबे गिरा तो तंदूरी बन जाएगा। बोल एंड बोल पकड़ा और हिसाब किताब शुरू। बोड़ी पिए उस तरह फिरवा के आया पहलवान, वहीं पे क्या खड़ा, आगे को जाना है क्या? बॉक्सिंग करेगा इनके साथ? अबे चड्डी पहन के तो क्या दिमाग भी निकल लिया क्या? अबे लेकिन लटक गया पहलवान, लटकू। अबे सही कर गया है, पसर पसर के फेर बिखेर के ऊपर चढ़ लिया, फिर बोल को पकड़ा और अब क्या करेगा? अबे सिर्फ संतुलन बनाए रखना काम नहीं, आगे बढ़ना भी काम है, ले निकल ले। चड्डी पहनेगा तो यही होगा, समझे ना? ये खुश हो रहे, बड़े छिछ हो रहे। और समझ समझ कर आगे बढ़ता हुआ अगला प्रतियोगी मार्क पर आया। और पकड़ा और धपाधप शुरू। क्या इरादा है भैया? अबे पिटपिटा के जाएंगे पशु, उसे अच्छा है कि यहीं कन्नी काट लो। जाते ना काई खुल से कर रहे मियां, नहीं मान रहा भाई। बैलेंस खोया और टपाक पड़ा निच्चू। इतनी धुलाई करवाए वो मुफ्त में? यह स्पीड पर गार्ड्स को निशानेबाजी करने का अच्छा मौका मिलता है। पहला गोल्डन बॉल मिस, दूसरे पर कैच छोड़ा और तीसरे को पकड़ के मुसीबत मोल ले ली। भुगतना आप। एक बार खाली दूसरे ने कंधे की मालिश की और तीसरे ने किसी झोंके से ही टपक पड़ी। एक और प्राकृतिक पुत्र गोल्डन बॉल पकड़ा। आप तो जानते हैं कि शाही गार्ड नंगे लोगों की कितनी खतरे तवाजे करते हैं। अरे यार, मौके का फायदा उठाना चाहिए था। अरे बॉल पकड़ ले भाई, ये बॉल पकड़ा। अबे फटका पड़ा, लटक गया। अबे क्या भूख तो भैया,
चलो हो जाओ खड़े, शाबाश, पकड़ो दूसरा बॉल, फटका खाओ, अबे कमर बिज्जू की शक्ल के। खूब सही निशाने लगाए जा रहे हैं। चड्डी संभाल चट्टा, अबे फिर लटक गया, अबे निकल ले, अब तो निकल ही ले भाई, तो फायदे नहीं होते। और अब डालते हैं एक नजर आज के फ्लैशबैक पर। देखो आंखें और मुंह फाड़ के देखो, देखा तारे जमीन पर, और आप समझे होंगे कि सारे जमीन पर नहीं, कुछ लोग जीते भी हैं, चलो उनके पास फाइनल शोडाउन में। मेरा पजामा थाता नो फ्तारी और लाल रोटी के संग दाल, इनकी आत्मा को शांति देना प्रभु, मिल चुका के आए हो अपनी अर्थी का, तो घुस मारो। जनरल के दो टट पूंजिए खिलाड़ी अपने अपने टैंक पर सवार, शाही गार्ड्स के लिए तो आज बक रही है, एक से एक नमूने जिन्हें काट रहे हैं चमूने। ईगे तो कफायर और घमासान शुरू, आज निर्बल से लड़ाई है बलवान की, और ये कहानी है दिए की और तूफान की। शांताराम जी की फिल्म में तो दिया जीत गया था, उन्होंने इंडियन दिया था वा, ये जापानी दिए हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे लंबी लंबी धारों है? हाँ, पेले से हल्ले में दोनों रिंगा भिगो दिए भाई, और एक रिंग को खबर में भी पहुंचा दिए। या उसका पता तो इस छिछोरे की हरकतों से भी चल रहा है, सिर्फ एक सिपाही बचा है मैदान जंग में, उसको भी निर्दयों ने चारों तरफ से घेर लिया और कर दिया उसकी रिंग का भी राम नाम सत्य। ओह कैसे नाच रहा है, और जनरल आज कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे निकल लिए। कोई बात नहीं जनरल, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ टॉयलेट पेपर का रोल लेकर, फिकर नॉट, और आप भी फिकर नॉट, क्योंकि हमारी मुलाकात जल्दी होने वाली है। क्यों होने वाली है ये मुझे पता नहीं, लेकिन होने वाली है, हमारा एक रिश्ता बन गया है, सालों का एक कुछ रिश्ता, पता नहीं जन्म जन्मांतर का रिश्ता,